नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि कितने लीटर के फ्रिज में कितने एचपी का कंप्रेसर की जरूरत होती है, या फिर उस पर कितने एचपी का कंप्रेसर लगाया गया है, या फिर उसमें कितने वाट का है। तो दोस्तों, ये जो वाट और एचपी का सिलसिला है, ये दोनों में से आप कैसे इसको वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वाट में से एचपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको ये दो सिस्टम आज मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं तो आपको पूछा जाता है कि इंस्टेंटली आपको 250 लीटर की फ्रिज है, सोचिए आपके पास 250 लीटर की फ्रिज है, तो उस पर आप कितने वाट या फिर कितने एचपी का कंप्रेसर लगाओगे। ये जो टॉपिक होता है आपको बार बार पूछा जाता है। अगर आप जानते हैं तो उससे बता सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो बताना आपको मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो कभी भी नहीं भूलोगे कि कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं, कितने लीटर के फ्रिज में कितने एचपी का कंप्रेसर, कितने वाट के है और कितने सेफ्टी का फ्रिज है, कितने लीटर का फ्रिज है। ये जो सारे जो फार्मूला होते हैं, आज आप लोगों के सामने एक ही वीडियो में सारे फार्मूला बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले आपको कुछ जानकारी देना मेरे लिए आवश्यक है, ताकि आपको जरूर समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। वो कैसा होता है कि जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होती है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सिंपली जो होती है 50 से लेकर 80 लीटर तक होती है, जो स्मॉल साइज की होती है। उससे जो बड़ा होता है कि 150 से लेकर 250 लीटर की फ्रिज होती है, और उससे जो बड़ा होता है वो 330 से लेकर 490 तक की होता है। और इससे भी ऊपर की जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होती है, 345 622 इस तरह की जो रेफ्रिजरेटर आती है, उसमें भी ये बहुत सारे लीटर की फ्रिज होती है। तो दोस्तों, कैसे आप उससे आसानी से आप देखते ही कि कितने लीटर की फ्रिज है, उसमें आप कैसे कितने एचपी का कंप्रेसर है उसमें लगाया गया है, या फिर आप लगाओगे कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, यही मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ जानकारी दूंगा कि आपको आसानी से समझ आएगा। तो दोस्तों देखिए, 1 HP इक्वल होता है कि 0.746, और 1 CFT इक्वल होता है कि 28.36, और 1 CFT इक्वल होता है कि 13 वाट नॉन फोर्स्ड। 1 CFT इक्वल 15 वाट होता है कि फोर्स्ड फ्रिज या डिप फ्रिज। जो ये सारे कॉम्बिनेशन है, जो फार्मूला होते हैं, आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कितने लीटर के फ्रिज में कितने एचपी का कंप्रेसर लगाओगे या फिर लगाया गया है। इसे निकालने के लिए आपको ये जो चार फार्मूला है, फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे, तो सोचिए दोस्तों, आपके पास 150 लीटर की फ्रिज है, तो उसमें आप कितने एचपी का कंप्रेसर लगाओगे या फिर कितना वाट का है। अगर आपको उसे वाट में निकालना पड़ेगा पहले, फिर जाके एचपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे, और साथ में दिए गए घंटे को ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाया करे उसकी नोटिफिकेशन, और आप उस वीडियो को लुत्फ भी उठा सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके पास एक 150 लीटर का फ्रिज है, तो उस पर कितने सेफ्टी का फ्रिज है, कितने वाट की फ्रिज है और कितने एचपी का फ्रिज है, आपको तीनों में इसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आपके पास एक 150 लीटर का फ्रिज है, तो उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 28.36, तो ये होता है सेफ्टी। तो इसका जो सेफ्टी निकलता है कि 5.28 सेफ्टी। तो ये जो 150 लीटर का फ्रिज है, उसमें निकल कर आया है कि 5.28 सेफ्टी का रेफ्रिजरेटर है। अगर आप इसे नॉन फोर्स्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। अगर नॉन फोर्स्ड में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो वाट निकल कर आएगा, वाट है 68 वाट। तो आपको इसे कितना एचपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा कि ये कितने 68 वाट कितने एचपी का कंप्रेसर होता है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक आसान फार्मूला है। तो देखिए, पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 HP इक्वल 0.746 होता है। तो 746 इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 68 से इसे डिवाइड करने के बाद जो आता है कि 110। तो इसमें 110 के कंप्रेसर की जरूरत होती है, या फिर इसमें लगाया गया है, या फिर आप लगाओगे। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम फ्रिज में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसका कितना वाट आएगा, कितने इस पे आएगा, आप लोगों का ये भी मैं दिखाऊंगा। तो सोचिए फ्रेंड्स, आपके पास 150 लीटर की फ्रिज है, तो उस पर 28.36 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आता है कि 5.28 सेफ्टी।
और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1500। अगर 1500 आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके जो 79.33 यानी कि आपके जो 80 वाट की कंप्रेसर की जरूरत होती है आपको, तो ये 80 वाट मिल गया। तो आप इसके एचपी कितना है आपको ये भी निकालना पड़ेगा। तो आपको एचपी निकालने के लिए आपको 7 4 6 80 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जो आता है कि 19 या फिर आप 18 की कंप्रेसर इस पर लगा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों ये थी सिंपल से फॉर्मूला। तो आपको जो इसके और जो लीटर की फ्रिज होती है जैसे 12 होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए आपके पास 250 लीटर की फ्रिज है, 250 लीटर के फ्रिज को आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना पड़ेगा 28.36। तो आपके जो सेफ्टी निकलता है कि 8.81 सेफ्टी का फ्रिज है। तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नॉन फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो या डिफर्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये आप किस फ्रिज में इस्तेमाल करेंगे ये आपका अनुसार आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट फ्रिज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस पर 1500 मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं इसे फर्स्ट फ्रिज में या फिर डीप फ्रिज में इस्तेमाल करूंगा। तो इसका देखिए जो वाट आता है कि 132 वाट की फ्रिज होता है, फ्रिज की कंप्रेसर होती है। तो वाट इसी वाट में से आपके एचपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। 746/132 तो देखिए ये जो आपके एचपी निकलता है, एचपी निकलता है 1515 एचपी की आपकी कंप्रेसर है। तो आप इसे 15 के कंप्रेसर लगा सकते हैं। तो और एक देखते हैं दोस्तों, और एक जो होता है कि आपके 330 लीटर की फ्रिज है या फिर 490 की फ्रिज है, आप इस तरह उसे भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो 330 लीटर की फ्रिज है, अगर उसे आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो सेफ्टी निकलता है कि 11.63 की जो सेफ्टी का रेफ्रिजरेटर होती है। तो आपके ये 11 सेफ्टी के ऊपर के फ्रिज है। तो आप उसे कितने वाट के कंप्रेसर लगाओगे या फिर उसमें कंप्रेसर है तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, तो आइए देखते हैं। तो उसमें अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है कि 174 यानी कि आपके जो 175 वाट के कंप्रेसर है। तो 175 वाट कितने एचपी का होता है आप उसे एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो उसे देखिए कन्वर्ट करने का सेम एक ही तरीका है, सेम तरीके है, आप उस तरह भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों देखिए ये जो आता है कि 175 वाट की जो कंप्रेसर है, 175 वाट कितने एचपी का कंप्रेसर है, तो ये 14 साइज का कंप्रेसर है। तो आप इसे 14 साइज के कंप्रेसर इसमें बेझिझक लगा सकते हैं, आपके कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये परफेक्टली एक्यूरेसी की कैलकुलेशन है। तो आसानी से आप आँख बंद करके आँख मूंद के इसे कंप्रेसर लगा सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इतने लीटर के फ्रिज में इतने का कंप्रेसर है। तो इससे भी आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इससे जो बर्फ फ्रिज होता है, बर्फ फ्रिज में आप कितने एचपी का कंप्रेसर, कितने लीटर, कितने वाट की होती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सोचिए दोस्तों आपके पास 490 लीटर की फ्रिज है तो उसमें कितना सेफ्टी, कितना वाट, कितने एचपी का है। तो दोस्तों देखिए जो 490 के हो तो आप 28.36 से हिसाब करते हैं तो इसका जो सेफ्टी निकलता है कि 17 यानी कि 17 के ऊपर जो है 17.27। तो ये जो होता है कि 17 सेफ्टी के ऊपर फ्रिज है तो उसे आप वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे देखिए एक ही तरीका है, चाहे आप नॉन फर्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट अगर फर्स्ट हिसाब करते हैं तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वाट निकलता है कि 250 लीटर की, सॉरी 250 वाट की जो कंप्रेशन निकलती है, 250 की आप कैसे इसे एसी में कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए तो इसका जो होता है कि 1.2 तो आप इसमें 1.2 की जो कंप्रेसर होती है आप उसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके सिंपल सी तरीका, सिंपल सी फॉर्मूला। आप चाहे भी किसी भी तरीके से आप कितने भी लीटर हो, कितने भी एचपी का कंप्रेसर हो, आसानी से इससे निकाल सकते हैं और इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बेझिझक। कोई भी गलत नहीं होगी, कोई भी गलतियां नहीं होगी, आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों की
इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में उन लोगों के पता चल सके, ताकि वो भी एफिशिएंसी के तौर से उस रेफ्रिजरेटर सेक्टर में, आरएस सेक्टर में जरूर काम कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।